आपको नर्वसनेस इसीलिए हुई क्योंकि लोगों ने देखा हुआ है उनको बहुत रिसेंटली और उनके हजारों लाखों इंटरनेट पे उनका काम उनका वो है, इंटरव्यूज हैं, स्पीचेस हैं उनकी, तो इसलिए नर्वसनेस भी थी कि कहाँ कैसे तैयारी की जाएगी। वो हेल्प भी किया उस चीज़ ने, और एट द सेम टाइम हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं राव साहब और हमारे डायरेक्टर हैं अभिजीत पान से, सब ने मिल के हमने कोशिश एक बहुत अच्छी कोशिश की है। लोग मेरे नोज़ लगती थी प्रोस्थेटिक की क्योंकि बाला साहब की लंबी नाक थी, है ना, तो उस पर बहुत अच्छे से प्रतिशील ने किया, बहुत अच्छा काम किया। मीना ताई जी के बारे में इंटरनेट पे तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत बाला साहिब जी के इंटरव्यूज छाटने के बाद मुझे एक उनके सिस्टर का मराठी में इंटरव्यू मिला जहाँ पे उन्होंने बहुत ब्रीफली संक्षिप्त में उन्होंने मीना ताई का वर्णन किया था, और वहाँ पे पता चला कि मीना ताई जी कैसी थी। बहुत ही कोमल, प्यारी, बहुत जैसे मराठी में पाउंडशील बोलते हैं, जो एक मेहमान नवाजी होती है वो उनमें थी, जिसके लिए वो आज भी इंडस्ट्री में जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं जो मातोश्री गए हैं, जब उनको पता चलता है कि मैं मीना ताई का रोल कर रही हूँ, वो बोलते हैं कि उस लेडी ने हमको अपने हाथों से परोसा है। वो एक अलग, उनकी एक अलग पर्सनालिटी ने आई थिंक एक अलग इज़्ज़त कमाई उनके लिए। मेरा रिसर्च जो था थोड़ा सा मराठी देखा मैंने, मराठी फिल्में देखी, वहाँ के रेट्रो एक्ट्रेसेस उस ज़माने की फिल्में देखी, ब्लैक एंड वाइट कैसी रहती थी, उनका बॉडी लैंग्वेज और एक अलग मैच्योरिटी वो अपनाने की कोशिश की। बुलाया था उन्होंने और मैं गया उनके पास, राव साहब के पास, उन्होंने फिर दो मिनट में डिसाइड कर लिया था कि आप कर रहे हैं ठाकरे। राव साहब से हर रोज़ हर वक्त बात होती थी अबाउट द कैरेक्टर के कैसे थे वो, किस तरह की चीज़ें थी उनके अंदर, स्पीचेस उनकी कमाल की स्पीचेस होती थी, और उनको उनमें ईज़ लाना, उस स्पीच में ईज़ लाना, वो इट वाज सो डिफ़िकल्ट एक्चुअली, और उसके लिए प्रैक्टिस की हमने काफ़ी, है ना, ताकि वो बाला साहब का जो वो था लाइक जो बोलने का तरीका था वो भी रह जाए और मिमिक्री भी ना हो, कैरिकेचर भी ना हो कैरेक्टर, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया। हर कदम पे आदमी सीखता है, हर फिल्म से सीखता है, है ना, तो काफ़ी कुछ सीखा। अब लाइक जैसे बाला साहब की अपनी खासियत थी कि वो बहुत ही फेयरलेस थे, है ना, कभी भी बात में वो नहीं रखते थे कि बाहर क्या है अंदर क्या है, तो इस तरह की चीज़ें। पास एक पुड़िया रहती है तो मतलब चार पांच तरह की पुड़िया हैं, जहाँ अगर मैं ये रोल कर रहा हूँ तो उसका एक फाँक मारता हूँ तो इस तरह का रहता है। ऑफकोर्स यार, इतना मेहनत करनी पड़ती है, कोई आसान कैरेक्टर नहीं, इट वॉज सो डिफिकल्ट एक्चुअली, है ना, और जिस तरीके से कैरेक्टर होता है उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होती है उसकी, है ना, कि जैसे मैंने बताया कि बाला साहब का जब हम रोल कर रहे थे तो उनके जितने भी रेफरेंस पॉइंट थे, रेफरेंसेस होते थे वो सब देखे, और प्लस राज साहब से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी या किसी से भी जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो ली, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए जब किया जाता, और ये भी ख्याल रखा जाता क्या नहीं करना एक्चुअली, है ना, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा भी अगर गलत ट्रैक पर चले गए तो कैरेक्टर इधर का उधर हो जाता है, तो सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है।